नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा और आसान सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 30 फंदे डाले हैं, जो कि 4 के मल्टीपल से ये डिज़ाइन बनेगा। 4-4 का मल्टीपल है और साथ में 2 फंदे एक्स्ट्रा डाल लेने हैं, जो कि एक स्टार्ट में होगा और एक लास्ट में होगा। तो चले इसे बनाना बताते हैं। सबसे पहली सिलाई में हमने उल्टे फंदे बुनने हैं। ये देखें, पहली सिलाई हमें पूरी उल्टे उल्टे फंदों से बनानी है। ये डिज़ाइन दूसरी स्टाइल से स्टार्ट होगा, इसलिए हम पहले सिलाई में सारे फंदे उल्टे बना रहे हैं। ये देखिए, सारे हमने उल्टे बुने। अब आ गई हमारी दूसरी सिलाई। ये देखिए, अब हमारा दूसरी सिलाई से डिज़ाइन शुरू हो गया। इसके लिए पहला फंदा हमने सीधा बुन लिया, फिर आगे 3 फंदे, पहले हमने धागा आगे करना है और फिर 3 फंदे एक ही सिलाई के ऊपर ऐसे करके चढ़ा के उनको उल्टा बुन लेना है और एक फंदा बना देना है। 3 फंदों का उल्टा करके एक फंदा हमने बुन लेना है, ये देखिए। और फिर ये बाकी 3 फंदे नीचे उतार देने हैं ऐसे करके। फिर हमने धागे को पीछे लेके जाना है और आगे से एक फंदा लेके उसका हमने सीधा फंदा बुना, पर उसको उतारना नहीं है नीचे से। फिर आगे धागा करके उल्टा फंदा बनाया, फिर हमने धागा पीछे किया और उसका एक सीधा फंदा भी बुन लिया। ये हमने एक फंदे के 3 फंदे तैयार किए, ये देखिए। फिर धागा आगे किया, फिर अगले 3 फंदे हमने उठा लेने हैं एक ही सिलाई पे चढ़ाए और फिर इन तीनों को उल्टा बुन के एक कर लेना है इस तरह से। फिर धागा हमने पिछली तरफ करके एक फंदा उठाया, उसका पहले सीधा बुन लिया, फिर धागा आगे किया, फिर वहीं से उल्टा बुन लिया, फिर धागा पीछे की तरफ किया और उसी से ही हमने सीधा फंदा बुन लिया। यानी एक फंदे से फिर हमने 3 फंदे तैयार कर लिए। फिर धागा आगे किया और 3 फंदे फिर हमने एक कर लेना, 3 का एक फंदा कर लेना है उल्टा बुनते हुए, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। फिर धागा पीछे गया और एक फंदा उठा के उसका 3 कर लेने हैं, सीधा उल्टा और फिर सीधा। इस तरह से हमने ये पैटर्न को दोहराते जाना है पूरी सिलाई में। ये देखिए, 3 का एक करना है और फिर आगे एक के 3 फंदे कर लेने हैं इस तरह से। इस तरह से हमने ये पूरी सिलाई को बुन लेना है और जो आखिरी फंदा होगा उसको हमने सीधा बुन लेना है। जैसे हमने स्टार्ट वाला पहला फंदा जो था वो सीधा बुना था, उसी तरह से हमने आखिरी फंदे को भी सीधा ही बुन लेना है। और इस तरह से हमने अपनी ये दूसरी सिलाई जो है कंप्लीट करनी है इस पैटर्न को डालते हुए। ये देखिए, हमने ये इस तरह से पैटर्न को डालते हुए कंप्लीट किया इसको। ये देखिए, बड़ा ही प्यारा डिजाइन बनता है ये। चलिए देखिए, हमने इसको बना के दिखाया आपको, ये देखिए। अब आ गई हमारी तीसरी सिलाई। इसके लिए हमने जो सारे फंदे हैं इसके
उल्टे उल्टे ही बुनते जाना है। जैसे हमने पहली सिलाई में बुना था, उसी तरह से हमने ये तीसरी सिलाई भी पूरी उल्टी उल्टे फंदे उतारते जाने हैं, बुनते जाने हैं। इससे हमने पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, अभी मैं आपको ये तीसरी सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी तीसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब आती है चौथी सिलाई। इसमें हमने पहला फंदा तो सीधा ही बुनना है। अब हमने क्या करना है, एक फंदा जो पहला दूसरा फंदा था उसको हमने उसके एक के तीन करने हैं, क्योंकि हमने जब दूसरी सिलाई बुनी थी तो उसमें तीन फंदे पहले हमने इकट्ठे बुन के एक किया था, तो इसमें ये रिवर्स पैटर्न चलेगा। इसमें स्टार्ट हमने किया एक फंदे का तीन करके, फिर आगे धागा करके तीन के फंदे उठाने हैं, फिर उनका हमने एक कर लेना है इस तरह से। फिर आगे उसी तरह से पैटर्न चलेगा पूरी सिलाई में। जैसे हमने फिर एक फंदा ही उठाया, इसके हमने फिर तीन कर लिए और फिर सीधा बुना। ठीक है, ये देखिए, फिर तीन का हमने एक कर लिया। इस तरह से ये हमने पूरी सिलाई को बना लिया। बना के बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये बन गया। अब हमारी चार सिलाइयाँ पूरी होंगी। अब ये है पांचवी सिलाई, जिसको फिर से हमने उल्टा उल्टा ही बुन के कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आ गई छठी सिलाई। छठी सिलाई में फिर हमने वही करना है, धागा आगे करके हमने अब तीन को फंदों को एक कर लेना है। बस स्टार्ट वाले में जो डिज़ाइन के पैटर्न है, स्टार्टिंग में हमने ध्यान रखना है कि पहले बार में जब दूसरी सिलाई थी उसमें हमने पहले अगर तीन का एक फंदा किया था, तो जब हमारी चौथी सिलाई होगी तो हमने एक का तीन करना है, और छठी सिलाई में हमने फिर से तीन का एक करके ऐसे करके उतार लेने हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो डिज़ाइन बनेगा जो कि बड़ा प्यारा उभरा उभरा सा मटर के आकार का हमारे दाने दाने से बनेंगे इसके ऊपर, वो बड़ा ही प्यारा बन के आएगा। ये देखिए, ये मैंने अभी और सिलाइयाँ इसके ऊपर बनाई हैं, और ये देखिए स्वेटर पे बहुत ही अच्छा लगता है। इसको आप एक बार जरूर ट्राई करिए। पीछे से देखिए, पीछे वाली तरफ से भी बड़ा प्यारा ये जाली जाली वाला डिज़ाइन बनता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये बड़ा ही प्यारा लग रहा है, बिल्कुल मटर के दानों के जैसे ये उभर उभर के दिखेगा, हाथ लगाने पे बड़ा सुंदर सुंदर लगेगा ये। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।